कोरबा जिला के रामपुर चौकी क्षेत्र में शनिवार को करैत सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर गोपाल कंवर ने कहा, अगर अस्पताल में लापरवाही हुई है तो दोषी स्टाफ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकटीखार गांव में रहने वाले श्याम दास महंत की 6 साल की बेटी पलक को उस समय करैत सांप ने काट लिया जब वो सो रही थी। बच्ची के चिल्लाने पर परिजन कमरे में पहुंचे और वहां सांप को देखा, फिर बच्ची के पीठ में सांप के काटने के निशान थे। वे तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर गए। बच्ची के मामा मनमोहन दास महन ने कहा कि पलक को समय पर अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन इलाज शुरू करने में देरी हुई है जिस कारण से बच्ची की जान गई है। वहीं अब अस्पताल अधीक्षक ने कहा है लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, कोरबा जिला में लगातार सांप निकलने के मामले आते रहे हैं। कुछ दिन पहले एसी में एक सांप घुस गया था, वहीं जूता चप्पल में और एक बार तो वॉशिंग मशीन में भी सांप देखी गई थे। कुल मिलाकर के कई बार वहां सांप निकलते रहे हैं, घरों में भी सांप आते जाते रहते हैं। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।